इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। असल मैंने यही बात करने के लिए फोन किया था कि हमें रितिका और राहुल का रिश्ता मंजूर है। आप लोग क्या समझते हो बाबू मुझे? मैं क्या एक खिलौना हूं या फिर कोई कठपुतली हूं? मैं जो बोलूं बात चुप ही जाती है। राहुल, अरे कब से कोशिश कर रही हूं तुम्हारा फोन नंबर मिलाने की, अभी मिला है। कैसे हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अरे मैं ठीक हूं, पापा की तबीयत भी बहुत अच्छी है, बस तुम्हें तुरंत यहां पर आना है। मैंने बोल दिया ना, अरे कोई बहाना नहीं चलेगा, ऑफिस वालों को बोल दो। नहीं नहीं 10-15 दिन में नहीं, तुरंत आना है। अरे कुछ भी बोल दो ऑफिस में, कह दो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, ठीक है? क्या बात है दीदी, अचानक आप राहुल को बुलाने की बात कर रहे हैं? अरे राहुल की शादी है तो उसे तो आना पड़ेगा ना। क्या कह रही है बुआ जी, राहुल भैया की शादी? अरे तो क्या, अरे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मेरी बहू रितिका शादी करके कहीं और नहीं जाएगी, बल्कि हमारे ही घर में आएगी। अब भगवान झूठ ना बुलवाए, लेकिन ये ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि देखिए, अब वो आपकी बहू रही कहाँ, अब तो वो किसी और को पसंद करती है ना। और वो आशिक जो है उससे मिलने ऑफिस में भी आया जाया करता था। अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं, जीजा जी कह रहे थे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर शादी तय हो गई है तो कोई ऑफिस में मुबारकबाद देने नहीं जा सकता? अरे क्यों नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अपनी ये लेकिन अपने पास रखो। कहीं तुम्हारी इस लेकिन से मैं ये ना समझ बैठूं कि तुम मेरी बहू के चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हो। जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे नहीं 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 दीदी, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन हर बात में लेकिन खड़ी करना बंद करो। हाँ पापा, ये तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। जाने दीजिए बुआ जी, पापा को लगता है कि शायद फूफा जी को ये बात मंजूर नहीं होगी। अरे नहीं, उनसे तो मैंने पहले ही बात कर ली है, बस रितिका के घर वालों की मंजूरी का इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने भी हाँ कर दी है फिर तो सब कुछ ठीक है, राहुल के आने का इंतजार है। वो आ जाए तो जल्दी से दोनों की शादी कर दे। नहीं नहीं हो सकता, वो लड़की की शादी एसडीएम के दूसरे बेटे के साथ। सर एक तरफ तो ये खुशी की बात है, लेकिन एक और परेशानी की बात भी। अरे हमारे लिए तो परेशानी की ही बात है डाली,
मुद्दे तो उस वक्त भी उठे थे जब राकेश गिरफ्तार हुआ था। आज तक ये सवाल एसडीएम और लड़की के दिमाग में चल रहा है, सुलग रहा है कि हथियार वो घर में पहुंचा है। अब वो लड़की का इस घर में जाने का मतलब है कि उस सवाल का जवाब उसी घर में तलाश करेगी। डर इस बात का है हमको, रही मोहरा जिसने वो वक्त हमरे कहने पर काम किया था, वो लड़की की नजर में ना आ जाए। सही कहा आप, सही कहा। लेकिन सुंदरलाल वो नाग है जो डसता है लेकिन किसी के शिकंजे में नहीं फंसता। इस वक्त मेरे लिए चिंता की बात यह है कि रितिका का उस घर में दाखिल होना हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त वो पावर में है। ना तो हम उसकी जुबान बंद कर सकते हैं और ना ही उसकी सोच पर पाबंदी लगा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता, इतना जान ले गुलशन भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरा कल का किया गया जुर्म आज मेरे हाथों में हथकड़ी बन के लगे। हेलो, हाँ साक्षी। अरे दिव्या तू कहाँ है यार? कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं, वेर आर यू? वो तो कॉलेज तो आ रही है ना? नहीं आज मैं कॉलेज नहीं आ रही दिव्या। यार एक बात बता, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? रिश्ते की बात तय हो जाने के बाद भी ये किस तरह की उलझने खड़ी हो रही है? हम तो यही बात को सोच के खुश थे कि हमने कोशिश की और मानस भैया और रितिका दीदी की शादी का चक्कर चला दिया। हाँ साक्षी, घर में उलझने तो हैं, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। मैं जानती हूँ दिव्या कि मानस भैया तुम्हारी रितिका दीदी से बहुत प्यार करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भैया का प्यार बिखर जाए, इसलिए बस जल्द से जल्द अगर शादी हो जाएगी तो सारी उलझने खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, है ना? हर चीज अपने हाथ में नहीं होती है, वरना हर आदमी को अपना प्यार मिल जाता, हर कोई खुश ना होता। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी के कुछ फैसले वक्त पर छोड़ने पड़ते हैं। तुझे क्या हो गया? इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही है? और तेरी आवाज क्यों इस तरह से सुनाई दे रही है? ये ओके ना? नहीं साक्षी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो बस ये कह रही थी कि किसी को चाहना हमारे दिल की मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो चाहत हमें मिल जाए ये जरूरी तो नहीं। तुम्हारे भैया के बारे में भी तो यही कहा जा सकता है ना? और मैं दिल के टूटने के दर्द का एहसास कर सकती हूँ। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे किसी ने तेरा ही दिल तोड़ दिया हो। हाँ साक्षी, प्यार का इंतजार हर कोई करता है कि शायद उसको उसकी प्यार की मंजिल मिल जाए, लेकिन जब ऐसा लगे कि प्यार की मंजिल खो चुकी है तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। चल मैं फोन रखती हूँ, तुझे कॉलेज से आने के बाद फोन करूंगी, ठीक है? बाय बाय। इसे क्या हो गया?
रितिका, तुम्हारी खुशी तुम्हारे पापा और हमारे लिए कितना मायने रखती है। बेटा, ये शादी जिंदगी को आबाद करने के लिए होती है और किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है। ओह मानस, क्यों इतनी देर हो गई? बैठो। रितिका, ये उस जजमेंट की फाइल है। मैं इसे कल ही देने आया था लेकिन तुम ऑफिस में थी ही नहीं। हाँ, वो मैं माजे से मिले गई थी। वो मैं माजी से मिले गई थी। माजी? राकेश की माँ। राकेश की माँ ने उन्होंने तुम्हें किस लिए बुलाया था? दरअसल मानस, उन्होंने अपना बेटा तो खो दिया है, अब उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं वो अपनी बहू को भी ना खो दे। मानस, जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। I understand रितिका, मैं उनका गम समझ सकता हूँ। जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, वो खुद को किस तरह संभाल रहे होंगे। I can understand। मानस, मैं ये सारी बातें बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? अगर अपने दिल की बात तुमसे ना करूं तो किससे करूं? पता है, कल मैं माजी से मिलने गई थी, और उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी रोना आ गया। मेरा दिल भर आया। उन्हें मैं जब भी देखती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। मानस, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। खैर, कम से कम तुम नसीब को तो मानती हो। जो लोग नसीब को मानते हैं वो बड़े से बड़ा गम झेल जाते हैं, ये मानकर कि नसीब में शायद यही लिखा था। मैं भी नसीब को मानता हूं, इसीलिए हर गम को बर्दाश्त कर जाता हूं, क्योंकि रितिका, फाइनली वही होता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। हाँ, ये बात तो मैं भी मानती हूं। अच्छा मानस, मैं अब निकलती हूँ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ? नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। अरे हाँ, अंकल को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना इस रिपोर्ट के लिए। You don't have to be formal. Anyways, कह दूंगा उनसे। जी, ठीक है, ठीक है, बाय।
हेलो, नमस्कार। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। कहिए कैसे फोन किया? मैंने राहुल से बात कर ली है, वो कल आ रहा है। ओह, बस उसके आते ही सभी बातें तय हो जाएंगी। लेकिन आपने उसे बता तो दिया है ना कि आप उसे शादी के लिए बुला रही हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरा राहुल अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या चाहती हूँ। और फिर रितिका के बारे में उससे अक्सर बात होती रहती है, और वो जानता है कि मैं किस कदर इस घर में अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। लेकिन फिर भी आपको उसे बता देना चाहिए था। समधन जी, मैंने आपसे बात ही इसलिए की है क्योंकि मुझे राहुल पर पूरा भरोसा है। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो हरगिज हरगिज इनकार नहीं करेगा। जी मुझे भी विश्वास, बस राहुल के आते ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेंगे और बहुत सादगी के साथ किसी मंदिर में शादी करेंगे, किसी तरह की धूमधाम नहीं करेंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, मैं तो बस मेरी बेटी की खुशियां चाहती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, राकेश के पिताजी के दिल में जो पुरानी कड़वाहट है वो धुल जाए बस। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि पुरानी कोई कड़वाहट अब रिश्तों में नहीं आए, क्योंकि अब नए सिरे से रिश्ता जुड़ रहा है तो ये रिश्ता बहुत ही मजबूत होना चाहिए। सब में अपनापन इतना हो कि सब मिलजुल कर रहे। अब बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। जी ठीक, नमस्ते। नीलिमा आंटी से बात कर रही थी माँ। हाँ बेटा, वो कह रही थी कि कल ही राहुल आ रहा है और उसके आते ही सब कुछ तय हो जाएगा। हाँ बहुत खुशी की बात है माँ। एक बात बता दिव्या, हमने जो रितिका की शादी राहुल के साथ करने का फैसला किया है वो हमारा फैसला तो सही है ना? हाँ माँ, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि दीदी उसी घर में बहू बन के वापस जा रही है। और अगर दीदी खुश है इस बात से तो हमें और क्या चाहिए। हाँ बस एक बार रितिका की शादी हो जाए, उसके बाद मुझे तेरी शादी के बारे में सोचना। तेरी डोली भी तो सजानी है मुझे। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना। मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी तुम्हें रितिका के घर फोन करने की? क्यों किया तुमने फोन? किससे पूछ के किया? जरूरत थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रितिका मेरे घर के बहू बनकर आए और उसकी आंखों में उस घर के सपने हो। अरे कैसी इंसान हो तुम, रिश्ता जोड़ने से पहले ही शर्तें रखने लगी। हाँ, जहाँ इस तरह के रिश्ते जोड़े जा रहे हो और जहाँ रिश्तों की बुनियाद ऐसे हो वहाँ शर्त रखनी ही पड़ती है। और वो लड़की तो एक साथ दोनों नावों पर सफर करना चाहती है। अरे मैं पूछती हूँ कि अगर उसे अपने पहले पति और ससुराल वालों से इतना ही प्यार है तो यहाँ रिश्ता करने की क्या जरूरत है? क्यों भूल रही इस बात को कि जिस बात को लेकर हमने इस शादी के लिए हाँ की है वैसे ही कुछ बात वहां भी है।
अगर हम अपने बेटे की खुशी को लेकर मजबूर हैं तो वो अपनी बेटी रितिका की जिंदगी संवारना चाहते हैं। ये थी इस रिश्ते की बुनियाद, और तुम शर्तों की बुनियाद पर रिश्ते जोड़ना चाहती हो। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी ये जो कोशिश है ये रिश्ते जोड़ने की नहीं तोड़ने की। अगर आपको मेरी बात इतनी ही बुरी लगी है तो जाकर कह दीजिए कि मैं बेवकूफ हूँ जो उनके आगे शर्त रख बैठी। जाकर कह दीजिए कि मेरी किसी भी बात को कोई अहमियत ना दे, क्योंकि अगर इस घर में किसी की चलती है तो वो है आप और आपका बेटा। ये सवाल ये नहीं है कि इस घर में किसकी चलती है, सवाल ये है कि हमारे मानस की खुशी किसमें है। और तुम मां होकर भी तुम्हें अपने बेटे की खुशी नहीं, अपना अहंकार प्यारा है। और ये जो शर्तें तुमने रखी है ना उनके सामने, मैं दावा करता हूं तुम्हारी एक भी शर्त नहीं मानी जाएगी और ना ही मानी जानी चाहिए। क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? क्यों? आखिर ऐसा क्या मांग लिया है मैंने? अरे तुम अपनी शर्तों के जरिए रितिका की सोच पर पहरे बिठाना चाहती हो? ये क्यों भूल जाती कि किसी की सोच पर पहरे नहीं बिठाए जा सकते?